हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये आपका फिफ्थ प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो चुके हैं और 2 क्वेश्चन पेपर भी मैं डिस्कस करा चुकी हूँ जो आपके लास्ट ईयर से रिलेटेड थे। तो फिलहाल आज के क्वेश्चन पेपर पे फोकस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें कह रहा है कि 1774 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था। ऑप्शन आपके पास सिक्किम, पुणे, मद्रास या बॉम्बे। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, यानी आपसे सन पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध किस सन में लड़ा गया था। 1748 में, 1757 में, 1764 में या 1782 में। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लासी का जो युद्ध था वो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, संभाजी, शिवाजी, हैदर अली या टीपू सुल्तान। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आईने अकबरी किसने लिखा, यानी आईने अकबरी जो रचना है वो किसकी रचना है, फैजी की, बीरबल की, अबुल फजल की या मुल्ला दो पियाजा की। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतगत्वता मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था। शाहजहां, अकबर, जहांगीर या किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो जहांगीर था वो एक मुगल शासक था, ये तो आपको पता ही है। उन्होंने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, जिन्हें तांतिया टोपे के नाम से भी जाना जाता है, को अंग्रेजों ने 1859 में कहां फांसी दे दी थी, झांसी में, शिवपुरी में, कानपुर में या सागर में। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिवपुरी में फांसी दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया, अंग्रेजों के साथ संधि की, होम रूल लीग से अलगाव किया या पूर्ण स्वराज की मांग की। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1916 का लखनऊ समझौता इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, हिंदू लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, ईसाई लीग द्वारा या सिख लीग द्वारा। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था, के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी आर दास, आशुतोष मुखर्जी या रविन्द्र नाथ टैगोर। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि चौरी चौरा जो घटना हुई थी वो कब हुई थी, 13 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 3 मार्च 1922 या 5 मई 1922। गाइस, जो चौरी चौरा की घटना हुई थी वो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि धुंध जो होती है, जो ठंडियों में देखने को मोस्टली मिलती है धुंध, वो नमी के बने कणों से बना है कहलाता है, यानी धुंध जो होता है वो नमी के कणों से मिलकर बना होता है, तो क्या कहलाता है, कोहरा, ओस, बादल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोहरा को हम धुंध के नाम से भी जानते हैं और ये नमी के कणों से मिलकर बनता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है, 60%, 70%, 80% या 90%। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है, माउंट पुनसकजया, माउंट चिम्बराजो, माउंट किलिमंजारो या माउंट एकांकगुआ। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा माउंट चिम्बराजो। ये क्या है, पर्वत की चोटी है जो पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हवा में विद्यमान
में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है, यानी हमारे जो वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, का आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो हमें पता है नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि पटाखा जो है वो किस देश की मुद्रा है, पनामा की, लाओस की, मकाऊ की या मैक्सिको की। तो ये जो मुद्रा है ये मकाऊ की है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है, यानी नाबार्ड का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एसेट एंड रूरल डेवलपमेंट या न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर या नागालैंड। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है सिक्किम। सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, यानी किसके सिग्नेचर होते हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर के, वित्त सचिव के, वित्त मंत्री के या प्रधानमंत्री के। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है, यानी योगदान करता कौन सा है सकल घरेलू बचत में, सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र कंपनियां, असंगठित क्षेत्र या परिवार। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, आर मिश्रा, के सी मेहता, एम एस स्वामीनाथन या पी माहेश्वरी। तो ये क्वेश्चन हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो है एम एस स्वामीनाथन, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया, नेहरू ने, गांधी ने, जेपी नारायण ने या एम एन राय ने। तो यहाँ जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, एम एन राय ने 1935 में सबसे पहले संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा सभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। ऑप्शन आपके पास 10, 22, 12 या 9। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा सभा में टोटल 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो बी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है, यानी किस टॉपिक से रिलेटेड है, चुनाव से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से, पंचायतें से या एक राज्यपाल की शक्तियां से। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चुनाव से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेना निवृत्ति की आयु कितनी वर्ष होती है, 60, 65, 67 या 70। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेना निवृत्ति की जो आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं, 30, 31, 37 या 40। तो जो राइट आंसर है वो है 31, मनुष्य में 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन कह रहा है कि रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, यानी जो प्रतिबिंब बनता है हमारी रेटिना पर वो कैसा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक, उल्टा, छोटा, वास्तविक, सीधा, बड़ा, वास्तविक, सीधा और छोटा या अवास्तविक, उल्टा और छोटा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि रक्त का पीएच क्या है, 5.4, 6.2, 7.4 या 8.7। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है, रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि किसमें कार्बन नहीं होता, यानी चारों जो तत्व दिए गए हैं, तीन दिए हैं, इनमें से किसमें कार्बन नहीं होता, डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इन सभी में कार्बन पाया जाता है, ऐसा कोई भी इन तीनों में से नहीं है जिनमें कार्बन नहीं होता हो, तो इनमें से कोई नहीं, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड,
या 39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य का जो तापक्रम होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, इसे आपको ही सॉल्व करना है क्योंकि मैथ के जो भी क्वेश्चन है मैं बाद में सॉल्व कराऊंगी, अभी मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 700। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन है इसका भी राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये भी मैथ से रिलेटेड है। और 34 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर भी मैथ से रिलेटेड है और 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी। सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार मैच कर लीजिएगा। मैथ के जो भी क्वेश्चन बाद में कराऊंगी, अभी क्लास में नहीं कराऊंगी क्योंकि ये टाइम टेकन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सागर की आग के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, दावाग्नि, जठराग्नि, बाढ़वाग्नि या वनाग्नि। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सागर की आग के लिए बाढ़वाग्नि शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है, मनः प्लस रथ, मन प्लस औरथ, मनो प्लस रथ या मन प्लस रथ। तो यहाँ राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मनः प्लस रथ इक्वल टू मनोरथ बनता है और ये आपका विसर्ग संधि है। फिर कह रहा है कि नाक रगड़ना का क्या अर्थ है, नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या चापलूसी करना। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, अगर आप किसी से दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं तो मतलब होता है कि नाक रगड़ना। लोग कहते नहीं हमारे सामने नाक रगड़ो, यानी दीनता पूर्वक प्रार्थना करो, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है, माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काए या आलोक पर्व। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है चिंतामणि। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी एक तरफ शब्द लिखा हुआ है दूसरी तरफ विलोम शब्द लिखा हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा मैच सही नहीं है। यौवन का विलोम होता है वार्धक, एकदम सही है। लोलुप का विलोम होता है संतुष्ट, ये भी सही है। विश्लेषण का विलोम होता है विवेचन, ये सही नहीं है, ये गलत है। यानी इस क्वेश्चन के बिहार पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एकांकी का जो विलोम होता है सर्वांगीण, ये भी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इसमें एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको रीड करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। देखते हैं क्या पैसेज है। पैसेज कह रहा है कि गिजू भाई न केवल बच्चों की क्षमताओं बौद्धिकता में विश्वास व्यक्त करते थे अपितु वे उनकी सृजनात्मक में भी अगाध आस्था रखते थे। उनके अनुसार कुछ हत्याएं पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आती। उनमें कानून वेत्ताओं को अपराध जैसी कोई चीज नजर नहीं आती। कानून वेत्ताओं की न्याय नीति संबंधी मर्यादाएं सिर्फ पीनल कोड से बंधी होती हैं। शिक्षा शास्त्रियों के पास राज्य, रूढ़ अथवा धर्म की कोई सत्ता नहीं है, इसलिए जीवन के प्रति जो अपराध होते हैं उनके लिए ना कोई पीनल कोड, ना कोई उन्हें निंदनीय मानता है और ना कोई धार्मिक भय है। जीवन के प्रति होने वाला एक ऐसा ही अपराध है बालक की सृजन शक्ति की हत्या। ईश्वर ने मनुष्य का सृजन किया और उसे अपनी सृजन शक्ति प्रदान की, तथा ईश्वर की शक्ति मनुष्य के सृजन की अनंत शक्ति के समान ही अनगिनत है। साहित्य एक सृजन है, चित्रकला दूसरा सृजन है, संगीत तीसरा सृजन है और स्थापत्य चौथा सृजन है। इस तरह गिनने बैठा जाए तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई अनेकानेक कृतियों को गिनाया जा सकता है। जब शिक्षक या अभिभावक यह तय करते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वस्तुतः इन निर्णयों में भी वे बालक की सृजन शक्ति का दमन कर देते हैं। अब आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। कह रहा है कि गिजू भाई का किसमें विश्वास नहीं है, उनकी रचनात्मकता में, उनके भविष्य का निर्णय शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा तय करने में, बच्चों की बौद्धिकता में या उनकी क्षमताओं में। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है उनके भविष्य का निर्णय शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा तय करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अपराध पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आता है, बालक की सृजन शक्ति का दमन, रिश्वत लेना, धोखाधड़ी करना या चोरी करना। तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बालक की सृजन शक्ति का जो दमन होता है वो अपराध पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बच्चे क्या करें और क्या ना करें, जब शिक्षक और अभिभावक यह तय करते हैं तब बच्चे में रचनात्मकता भर जाती है, अभिभावक और बच्चों के संबंधों में प्रगाढ़ता आती है, बच्चे में पढ़ने लिखने के प्रति रुचि जागृत होती है, बच्चे में सृजन शक्ति का दमन होता है। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लास्ट की पंक्तियों में ऐसा मेंशन था। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से सृजन के अंतर्गत नहीं आता है, किसी विषय पर अपने विचार लिखना, प्रश्नों के उत्तर रटना, कहानी लेखन या मिट्टी से खिलौने बनाना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, प्रश्नों के उत्तर रटना सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी नहीं कहलाती, क्योंकि अगर आप किसी प्रश्न को रट रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं
यानी अपने तरीके से अगर आप समझ रहे हैं तो वो क्रिएटिविटी है, नहीं समझ रहे सिर्फ रटे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सृजन नहीं होगा यानी क्रिएटिविटी नहीं होगी। तो यहाँ भी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि साहित्य शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द कौन सा बनेगा, साहित्य प्लस एक तो क्या बन जाएगा, साहित्यिक। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको एक पंक्ति दी हुई है उसको पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। कह रहा है, स्पब नहीं चाहता चिर सुख, चाहता नहीं अविरल दुख, सुख दुख की आंख मिचौनी, खेले जीवन अपना सुख सॉरी मुख, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन से ओझल हो सस, फिर सस से ओझल हो घन, जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति दुख से, मानव जग में बट जावे दुख सुख से और सुख दुख से। फिर कह रहा है कि अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, सुख दुख की निशा दिमा में, सोता जगता जग जीवन में। अब आपको आंसर देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कवि चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता है, चिर सुख या चिर दुख संभव नहीं है, चिर सुख असहनीय होगा, सुख भी अतिघातक होगा, दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, इसमें कह रहे हैं कि कवि मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है, दुख और सुख परस्पर बट जाए, वह बहुत सुखी हो, वह बहुत दुखी हो, वह बहुत समृद्ध हो। तो यहाँ का ये ऑप्शन करेक्ट है, दुख और सुख परस्पर बट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि इस वाक्यांश में नाद सौंदर्य की दृष्टि से कौन सा विकल्प उपयुक्त है, रूपक, उत्प्रेक्षा, अत्यानुप्रास या उपमा। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अत्यानुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कवि ने सुख और दुख का साम्य किन से बताया है, चांद और सूरज से, शशि और घन से, दिन और रात से या ठंडा और गर्म से। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी दिन और रात से, कवि ने सुख और दुख का साम्य बताया है वो दिन और रात से बताया था, यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुख और दुख से ध्वनि साम्य वाला शब्द है, अविरत, उत्पीड़न, आंख या मुख। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, सुख और दुख से ध्वनि साम्य वाला शब्द है मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि चूज द सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड, यानी जो आपको डेरोगेटरी वर्ड दिया गया है इसका सिनोनिम आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ह्यूमिलिएटिंग, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ फिर एक पैसेज दिया हुआ है जिसे रीड करके आपको आगे के क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। पैसेज आपके पास, ये 23 ईयर ओल्ड ब्रिटिश वुमेन वॉज यस्टरडे सेंटेंस्ड टू 6 मंथ्स इन जेल फॉर लीविंग हर 2 ईयर्स ओल्ड डॉटर होम अलोन 8 hours a day, 5 days a week for a year while she went to work. The young mother from the central town of Warwick initially hired a babysitter when she landed a job in a travel agency, but eventually reached the point when she could no longer afford the facility. Prosecutor said the woman then started leaving the child home by herself, providing it with food and toys and removing all potentially dangerous objects from its reach. At first, the mother came home at lunchtime but had to stop because her daughter threw tantrums every time she left to go back to work. The mother, who was no identified, told the court, "If I had money, I would not have done it. It was a case of that or not keeping my job and living on benefit." The judge, Mr. Horison Hall, however, said, "Having had a child, the absolute priority is to look after it. There must be an alternative to leaving a child alone all day. A thing you would not do even to a dog." अब हमें क्या करना है? आंसर देना है क्वेश्चन के। कह रहे हैं, the young mother had to work in the office 40 hours a week, 8 hours a week, 48 hours a week या all the 7 days a week। Right option क्या है इसका? ये option correct हो जाएगा, 40 hours a week। Next question देखते हैं, इसमें कह रहा है कि the word facility in sentence refers to her job in the travel agency, living in a well furnished apartment, getting adequate salary, employing someone to look after the child। तो right option क्या है इसका? D option correct है, employing someone to look after the child। Next question देखते हैं, the mother stopped coming home for lunch because her house was far away from the office. She was not able to control her angry baby. She had to work extra hours to earn more. She was not interested in looking after the baby. Right option kya ho jayega iska? B option correct ho jayega. She was not able to control her angry baby. Next question dekhte hain. Isme keh rahe the sentence, if I had money, I would not have done it.
इसका क्या मतलब है? आई हैड मनी एंड सो आई डिड नॉट लीव द बेबी अलोन. आई हैड मनी एंड सो आई लेफ्ट द बेबी अलोन. आई हैड नो मनी एंड सो आई लेफ्ट द बेबी अलोन. आई हैड नो मनी एंड सो आई डिड नॉट लीव द बेबी अलोन. राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन करेक्ट है. आई हैड नो मनी एंड सो आई लेफ्ट द बेबी अलोन. कहने का मतलब ये है कि मेरे पास पैसा नहीं था, इस वजह से मैं अपने बच्चे को अकेला छोड़ देती थी. यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सार्थक अनुक्रम में लगाना है. ऑप्शन आपके पास राज्य, व्यक्ति, नगर, जिला, ग्रह. तो सबसे पहले क्या आता है? व्यक्ति आता है, फिर उसके बाद ग्रह आता है, ग्रह के बाद क्या आता है? नगर आता है, फिर जिला आता है, फिर राज्य आता है. यानी 2, 5, 3, 4, 1. 2, 5, 3, 4, 1 किसमें दिया हुआ है? ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ है, रीजनिंग से रिलेटेड है, इसे आपको ही सॉल्व करना है. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा. सॉल्व करके देखिएगा, आंसर मैच करा लीजिएगा, वरना अगर ना आए तो परेशान मत होइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये भी आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. इसमें कह रहे हैं कि निम्न में असंगत बताइए. ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है. रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. क्रूर, दयालु, हल्का, भारी, कठिन, मुलायम, लंबा और उच्च. तो ये क्या है? ये तीनों जो है ये विलोम शब्द लिखे हुए हैं. एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम शब्द है. लेकिन अगर एक ही बात करें तो लंबा और उच्च क्या है? समानार्थी है, विलोम नहीं है. तो इस वजह से ए क्या है? डिफरेंट है इन दोनों तीनों में से. तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें कह रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने रिलायंस जियो की दूर संचार कंपनी ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? 9%, 7%, 9.69% या 9.99%. तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 9.99%. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? स्मृति मंधाना को, मैरी कॉम को, शिल्पा शेट्टी को या हिमा दास को? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है. शिल्पा शेट्टी को क्या किया गया? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अटल जी ने कहा पुस्तक के लिए, अटल जी ने कहा ये क्या है? एक पुस्तक है. इस पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रजेंद्र रेही, संध्या मेनन, हारुकी मुराकामी या विजय गोयल? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ब्रजेंद्र रेही. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एनडीटीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? संजय जालोना, सुपर्णा सिंह, लक्ष्मी नारायण या नेहा बड़जात्या? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर्णा सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्कलों की घोषणा की है? 5, 6, 7 या 10? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें कह रहे हैं कि किस परिवहन क्षेत्र ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है? भारतीय रेल परिवहन, सड़क परिवहन, हवाई परिवहन या समुद्री परिवहन? तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट है, भारतीय रेल परिवहन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 50 लाख, 25 लाख, 20 लाख या 30 लाख? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 लाख. यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि हो गई है अब वो 25 लाख हो गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि देश का 100वां किसान स्पेशल रेल महाराष्ट्र के संगोला में, सॉरी, देश का 100वां किसान स्पेशल रेल महाराष्ट्र के संगोला से किस शहर के बीच चलाया जाएगा? हावड़ा से पश्चिम बंगाल, शालीमार से पश्चिम बंगाल, सियालदह से पश्चिम बंगाल या आसनसोल से पश्चिम बंगाल? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शालीमार से पश्चिम बंगाल. यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर एक कार्य समूह का गठन किया है? पी वासुदेवन, अजय कुमार चौधरी, मनोरंजन मिश्रा, जयंत कुमार दास? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, जयंत कुमार दास. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सशस्त्र सेना वेटरन्स डे कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना वेटरन्स डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को, 12 जनवरी को, 14 जनवरी को या 15 जनवरी को? यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 14 जनवरी को मनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें कह रहे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न या अशोक चक्र? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत रत्न. भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है. तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? जींद, करनाल, अलीगढ़ या मुजफ्फरनगर? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है,
अलीगढ़ को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक देव के जो जन्म दिवस है उसे जो गुरु नानक देव का जयंती है वो गुरु पर्व के नाम से मनाई जाती है। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? धमाल, फोरिया, झूमर या जवारा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो जवारा लोक नृत्य है वो हरियाणा राज्य से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ढलाई और ऊनाकोटी किस राज्य के जिले में है? मिजोरम में, असम में, त्रिपुरा में या नागालैंड में? तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों त्रिपुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि वन्य जीव अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? खेनी वन्य जीव अभयारण्य, करेरा वन्य जीव अभ्यारण, बोरी वन्य जीव अभ्यारण या चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण? यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? 72, 75, 78 या 77? राइट ऑप्शन क्या है इसका? 75, यानी उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताइए। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, मैरी कॉम या कर्णम मल्लेश्वरी? तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, कर्णम मल्लेश्वर भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चितकाल के लिए या 2 घंटा? तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है, कम से कम 1 घंटा। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? 17, 19, 15 या 12? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12, यानी राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या होती है 12। तो इस वीडियो में हमने टोटल 80 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन पेपर 100 का आता है। जो फर्दर 20 क्वेश्चन थे वो मैंने ऐड नहीं किए, क्योंकि वो मैथ से रिलेटेड थे, मैंने पहले ही आपको बता दिया। मैथ के क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।